मैं आशुतोष पांडे YouTube के सर्वश्रेष्ठ भक्ति में चैनल भक्ति महिमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 2018 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या आप इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकेंगे? क्या इस वर्ष आपको मनोवांछित फल मिलेगा? इस वर्ष कामयाबी और समृद्धि पाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? इन सब सवालों के उत्तर मिलेंगे आपको 2018 के राशिफल में। भक्तों, आज हम अपने इस अंक में जानेंगे कि साल 2018 राशिफल के हिसाब से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष थोड़ा कम अनुकूल साबित हो सकता है। इस साल आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा छात्रों को परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के लिए काफी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि आर्थिक दृष्टि से ये साल आपके अनुकूलता के संकेत दे रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 2018 में आपके सितारे क्या कहते हैं। इस साल आपके भीतर ऊर्जा का असंतुलन देखने को मिल सकता है। ऐसे में सलाह यही है कि पूरी तैयारी के साथ संयमित होकर आचरण करना ही सही रहेगा। इस वर्ष शनि आपके चतुर्थ भाव में न होकर प्रथम भाव में दृष्टि डाल रहा है। अतः न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बीच बीच में परेशानी दे सकता है। यानी कि इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। हालांकि इस साल आपको मानसिक त्रास मिलने के योग कम है और आप कोशिश करने पर मन से प्रसन्न बने रहेंगे। साथ ही प्रसन्न मन की सहायता से शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर सजग रहकर स्वस्थ बने रहने में कामयाब हो सकते हैं। सीने या हृदय से संबंधित कुछ परेशानी होने का डर रहेगा, लेकिन कोई बड़ी बीमारी या परेशानी होने के योग नहीं है, परंतु खान पान पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। कन्या राशि वालों की शिक्षा के लिए ये साल थोड़ी अधिक मेहनत करने का संकेत दे रहा है। शिक्षा में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगेगा, यानी बहुत अधिक कोशिश करने के बाद ही आप शिक्षा में पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे। जो विद्यार्थी बहुत दूर रहकर या विदेश रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे संकेत बन रहे हैं। उन विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं। मेहनत करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सितंबर के बाद अंतः प्रज्ञा और प्रखर होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर इस साल मेहनत तो अधिक लगती दिख रही है, लेकिन मेहनत के बाद संतोषजनक परिणाम भी मिलते दिख रहे हैं। कन्या राशि वालों, इस साल आपको आर्थिक मामलों में अनुकूलता मिलती रहेगी। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ स्थिति बृहस्पति आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, अतः काम धंधा बढ़िया चलेगा और फलस्वरूप लाभ ही लाभ मिलना स्वाभाविक है। यदि आप कोई आर्थिक निवेश भी करना चाहते हैं तो आपको अनुकूलता मिलेगी। सितंबर के बाद गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, जो एक अच्छी स्थिति है। यानी कुल मिलाकर ये साल आर्थिक मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम व दाम्पत्य के मामले में इस वर्ष औसत अनुकूलता नजर आ रही है। प्रेम मामलों में लापरवाही बरतने की स्थिति में संबंधों में कमजोरी आ सकती है। कभी कभार मन में निरस्ता के भाव आ सकते हैं, जो प्रेम की कसावट में कमी का कारक बन सकता है। दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। यदि उम्र विवाह की हो चली हो तो उस मामले में सितंबर के बाद की गई पहल रंग लाएगी। वर्ष के अंत में प्रेम, सगाई व विवाह के सुंदर योग बन रहे हैं। कार्य व्यापार के लिए 2018 कुछ स्तर तक धीमा रह सकता है। इसका प्रमुख कारण है कर्म स्थान में शनि की दृष्टि। कर्म स्थान में शनि की दृष्टि होने के कारण कोई भी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लग सकता है। यानी हर एक काम के लिए आपको अधिक समय लेकर चलना पड़ेगा। कार्य व्यापार में बीच बीच में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। शनि और गुरु दोनों के कर्म स्थान पर दृष्टि होने के कारण आप नई नई योजनाओं पर कार्य करेंगे और सफल भी रहेंगे। नौकरी में भी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं व गरीबों की मदद करें, साथ ही भगवान गणेश की आराधना करें। तो भक्तों, ये था हमारा आज का अंक, जिसमें हमने जाना कि साल 2018 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो पर लाइक करें तथा इस पर कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे भक्ति में चैनल भक्ति महिमा को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे और रोचक विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।